नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिश्का सिंह। अलीगढ़ में शराब का कहर जारी है। जिले में 108 लोगों की जहरीली शराब से जान जा चुकी है। वहीं पुलिस शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को रविवार सुबह बुलंदशहर बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी बदमाश ऋषि शर्मा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रविवार को पुलिस ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि ऋषि शर्मा अवैध शराब से जुड़े कई सफेदपोशों के नामों का खुलासा कर सकता है। वहीं जहरीली शराब कांड में अब तक पुलिस ने 44 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद अलीगढ़ में शराब से हुई घटना के संबंध में यह अवगत करा दें कि एक बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीश शर्मा, जो 25,000 का इनामिया था, उसको एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरज चौधरी था, जो भी 25,000 का इनामी था, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। अनिल चौधरी, विपिन यादव, मुनीश शर्मा और नीरज चौधरी, इसके अलावा विपिन यादव और शिव कुमार, इनके साथ ऋषि शर्मा की जो अब गिरफ्तारी हुई है, इससे हमारी समस्त जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं अब तक वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। यह भी बता दें कि अब तक 17 मुकदमे, इन सभी जो घटनाएं यहां पर हुई हैं, 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 61 अपराधियों को। कल विश्व पर्यावरण दिवस हर जगह मनाया गया। वहीं सोनभद्र जिले के बीजपुर रेहंद में विश्व पर्यावरण दिवस पर NTPC रेहंद के कार्यकारी निदेशक बालाजी आयंगर ने वृक्षारोपण की शुरुआत कर गुब्बारों को हवा में उड़ाकर किया। आयंगर ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से लोग अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह हमारे कर्मचारी भी इस पर्यावरण दिवस पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे, जिसमें CSC और NTPC के द्वारा हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन शपथ पत्र पढ़कर किया गया। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और फिर सभी लोगों ने वृक्षारोपण किया। दिन दूर नहीं है जो जितने हमने पर्यावरण को क्षति की है, वो सारी क्षति से हम बाहर आ जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी देश को किस प्रकार परेशान कर सकती है, इस महामारी के दौरान हम लोगों ने देखा है, और वृक्ष ऑक्सीजन सप्लाई करने का सबसे अच्छा सोर्स है। एनवायरनमेंट का प्रति और इस साल का जो थीम है, उसी का प्रति हमारा हर सिस्टम को, जैसा कोई भी लिक्विड डिस्चार्ज रहता है उसको बाहर नहीं जाने देते हुए हम लोग अपने ही रिसर्कुलेशन करते हुए उसको यूज़ कर। आज पर्यावरण दिवस है और आज पौधा लगा रही हैं, और यहाँ पे जो लगा रहे हैं सबसे आप छोटी बच्ची में हैं। क्या कुछ कहना है, क्यों पौधा लगा रही हैं? इतना ज़्यादा लगा कर कैसा लग रहा है पौधा लगा करके? आगे भी लगाना है इसी तरह से? आगे भी पौधा लगाना है इसी तरह से? विश्व पर्यावरण दिवस सभी जगह जोर शोरों से मनाया गया। वहीं शाहजहांपुर में स्वच्छ पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय जन विकास मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर मुनीश सिंह परिहार एडवोकेट ने बिनोदा सेवा आश्रम बंतारा में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कर वृक्षारोपण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर मुनीश सिंह परिहार एडवोकेट और संगठन के लोगों द्वारा वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया। साथ ही प्रदेश के 14 राज्यों में अखिल भारतीय जन विकास मंच भारत राष्ट्रवादी नौजवानों का गैर राजनीतिक सामाजिक अपना संगठन के लोगों ने स्वच्छ पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर 51,000 वृक्षों का रोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प पूरा किया। सुल्तानपुर के लंबुआ तहसील के वैनी गांव में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। सालों से ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण को प्रशासनिक अधिकारियों ने गिरवा दिया। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर भविष्य में ऐसा पाया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वैनी ग्राम में जो है ग्राम सभा की भूमि पे गिरीश पांडे का अवैध कब्जा था। तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश भी हुआ था। इसके पश्चात उनके द्वारा अपील जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गई, वो भी खारिज हो गई। इसके बाद रिट हाई कोर्ट में दायर की गई और निरस्त हो गई। तो
तदुपरांत उनका जो अवैध कब्जा था वो हटवा दिया। और उससे अपील में और हाईकोर्ट में जा चुके हैं, उनको सब पता था, नोटिस दिया था, नोटिस भी दी जा चुकी थी। संभावना अवैध कब्जे हटाने में रहती है, इसलिए हम लोग प्रिकॉशन के तौर पर पर्याप्त पुलिस। बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के पास से 1 ट्रक, 4 ट्रक के टायर, 1 तमंचा, 315 बोर और कई चीजें बरामद की हैं। तो बस्ती पुलिस को इस वक्त बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लगातार पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही थी, जिसके बाद आज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसके बाद आज 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरों के पास से 1 ट्रक, 2 ट्रक के टायर समेत तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिरोजाबाद थाना नारखी में 3 दलित महिलाओं के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव में एक ही घर के 3 लोगों का शव कमरे में मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है। बता दें कि ग्रामीणों ने जब कमरे से खून निकलते देखा तो पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला। कमरे में मां का शव जमीन पर पड़ा हुआ था, वहीं बेटियों के शव फंदे पर लटके हुए थे। फिलहाल यह अभी तय नहीं हो सका है कि उनकी मौत किस प्रकार हुई है। वहीं पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। कौशाम्बी विधायक लाल बहादुर और नोडल अधिकारी ने निःशुल्क राशन वितरित किए, साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर भी सभी लोगों को जानकारी दी। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया गया और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया। लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर चोरों ने एक ट्रक पर हमला बोल दिया। रिफाइंड लदे ट्रक से लगभग 4.5 लाख रुपए की रिफाइंड पार कर ली गई। वहीं ड्राइवर ने इस मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक रिफाइंड लोड करके लखनऊ जा रहा था, तभी बीती रात लगभग 9:30 बजे तहसील ऊंचाहार के बगल में गाड़ी खड़ी करके बगल के ढाबे में वो खाना खाने लगा और फिर अपनी गाड़ी पर आकर आराम करने लगा। जब सुबह ड्राइवर की नींद खुली तो देखा कि ट्रक का तिरपाल कटा हुआ था, जिसमें से लगभग 175 रिफाइन के टीन और कार्टून अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जब सुबह सोचो उठे तो देख रहे मेरा तिरपाल कटा हुआ है, माल चोरी हो गया हुआ। होटल लगे हैं पाल ढाबा, पीछे होटल लगा है चार में। कितना टीना गायब हुआ है तेल? 200 रुपये में गायब हो गया है। 200 लीटर 200 कार्टून 200 कार्टून टीना। हाँ। कितने लीटर का था? एक 15 लीटर का था टीना था। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।